Hi. To want me, you gotta know me. If you love me, you gotta show me. Hello everyone, welcome back to my channel. Good morning guys. मैं सोच रही हूँ कि ना मैं आज बनाऊँ सिंधी कढ़ी. मुझे कढ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, बट ना मेरे साथ क्या होता है, मुझे सेम रेसिपी होती है ना, वो खा खा के मैं बोर हो जाती हूँ. बट मैं क्या करती हूँ, जो सेम रेसिपीज होती है उसको थोड़े डिफरेंट टाइप्स में बनाने की कोशिश करती हूँ और अलग फ्लेवर में बनाती हूँ. तो आज हम लोग ट्राई करेंगे सिंधी कढ़ी. मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बट हाँ मैंने रेसिपी चेक की हूँ यूट्यूब पर, तो सेम मैं वैसे ही देखकर बनाऊंगी. तरीका अलग होता है सभी लोगों का, तो डेफिनेटली मेरा तरीका भी अलग होगा, पर मैं कोशिश करूंगी उसकी ना फुल रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँ. हैंगिंग गमले हैं, इनको उतार कर मैं इसमें न्यू प्लांट लगाऊंगी. पर मैं सोच रही हूँ अभी जब पूरी तरीके से ना बारिश चली जाए तब मैं इसको चेंज करूँ. और ये है ढेर सारे फूल, पता नहीं क्यों बट यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना, तो जो भी वाल होते हैं वो सारे ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं. एक छोटी सी बर्ड है और इतनी सुंदर आवाज़ है उसकी. ये वाला फ्लावर भी कितना सुंदर है ना, छोटू सा है. मुझे लगता है ये सबसे छोटा फ्लावर है मेरे घर पर, मेरे मिनी गार्डन में. एक वाइट फ्लावर रहा ये. सारे बर्तन अच्छे से सूख चुके हैं, तो हम लोग इसको फटाफट से रैक में लगा देते हैं. आई थिंक 2 महीनों से हमारे यहाँ लगातार लगी हुई है बारिश. एक काम करती हूँ, मैं चाय चढ़ा देती हूँ गैस पर, क्योंकि मैंने सुबह वाली चाय बिल्कुल भी अभी तक मैंने सुबह वाली चाय नहीं पी हूँ. बाहर लगी हुई है बारिश, मैं आपको दिखाती हूँ. कुछ टाइम के बाद वेदर चेंज होगा, तो फीवर, कोल्ड, कफ, ये सारी चीज़ें इतनी वायरल होगी ना, मतलब सभी ऑलमोस्ट सभी लोगों को कोल्ड की प्रॉब्लम है, फीवर की प्रॉब्लम है. और बढ़िया सी बनाते हैं अदरक वाली चाय, ताकि हमारे गले का भी कुछ हो. अपनी अदरक वाली चाय और इसमें जाएगा फ्रेश का मिल्क. बिस्किट, दिन भर बिस्किट, मैं बिस्किट ना निकल रहा है, तो इसकी कटिंग करना है मुझे.
मैंने सिर्फ कटर मांगी थी आपसे, काटना नहीं है। ठीक है, ऊपर ले जाना कटर। कितना सुंदर है ना ये वाला फ्लावर। नीचे आओ जल्दी। बारिश नहीं होगी मेरे मन। कितने सारे फ्लावर नीचे डेली गिरते हैं और डेली मुझे इसे क्लीन करना पड़ता है। जल्दी आओ, बारिश हो रही बाहर। जल्दी आ जाओ, बीमार पड़ जाओगे। गेट लगा लो। बारिश हो और किसी की डिमांड ना हो पकोड़े खाने की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर मैंने आज बनाई थी भुट्टे के पकोड़े और मैंने अपने लिए बनाई थी भुट्टे की किस, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये है इस वाले सीजन का फर्स्ट भुट्टे की किस और भुट्टे के पकोड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे। आज तो किसी ने भी लंच किया ही नहीं, क्योंकि मैंने लंच बनाई ही नहीं, सभी की फरमाइशें अलग अलग थी। पर मैंने पहले से ठान ली थी कि मैं सिंधी कढ़ी ज़रूर बनाऊंगी, तो मैं फटाफट से गई बाहर और मैंने लेकर आई खूब सारा करी पत्ता। जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे लोग ना करी पत्ता भी यूज नहीं करते सिंधी कढ़ी में, पर मैंने सोची मैं इसको अपने तरीके से बनाऊंगी। इसमें मैं सारा सब कुछ अपना फ्लेवर डालूंगी, लाइक जीरा, राई, हींग और करी पत्ता, लहसुन, बारीक क्रश किया हुआ अदरक, और क्या डाली मैंने, हाँ क्रश किया हुआ हरी मिर्च, सब कुछ मैंने डालकर तड़का लगा दी। और फिर मैंने ना गर्मा गर्म बना ली थी सिंधी कढ़ी। इस वाले ब्लॉग में तो मैं इसकी फुल रेसिपी वाला वीडियो नहीं शेयर कर पाऊँगी, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं सच में इसकी फुल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत ही ईजी होता है इस वाली कढ़ी को बनाना। कढ़ी हमारी बन गई है और सारा किचन मैंने क्लीन कर दी, किचन वाला सारा काम हो गया है। कितना सुकून मिलता है ना जब हम लोग किचन से फ्री हो जाते हैं। और अब मैं शाम के 5 बजे तक, हाँ शाम की 5 वाली चाय बनती है, तब तक मैं बिल्कुल भी किचन में नहीं जाने वाली हूँ। तब तक के लिए हो गई हूँ मैं किचन से फ्री। तो मैंने ये जो फ्लावर्स एंड लीव्स लेके आई थी ना, तो मैं बस उसी से इसको डेकोरेट करती हूँ ना मैं अपने किचन को। मुझे पसंद है ऐसे फ्लावर्स एंड ऐसे लीव्स रखना, तो मैं उसी के बारे में पता नहीं कुछ तो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही थी। ये फ्लावर तो कल तक सूख जाएंगे, बट हाँ एक दिन अच्छे से स्टे करता है। तो ये छोटू सा है और एक मैंने और बनानी हूँ। वो यही है, एक रहा ये, तो मैं इसको है ना अलग अलग जगह पर रखूंगी। मीठे मीठे पल ये भीगे भीगे मौसम में लेना हमें। मैं यहाँ पर टेस्ट करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम सिंधी कढ़ी, वो भी मेरे हाथों से बनी। और सच में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट सच में ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों फील आ रहा था कि मैं सांभर खा रही हूँ। इसके बाद मैंने मक्खन गरम कर ली और उससे बना ली थी होममेड घी। ये गाय का घी, इसका कलर आप देख सकते कितना येलोइश है ये। एंड थोड़ी सी जो ग्रॉसरी थी उसको रखना था, जैसे कि हम लोगों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और सेम एक ही फ्लेवर की चाय पी के भी ना हम लोग बोर हो जाते हैं। तो इस बार हमने सोचे कि 2-4 फ्लेवर की जो चाय पत्ती है ना उसको ट्राई करते हैं, और इसमें से जो फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं सेम ब्रांड की चाय पत्ती यूज़ करूँगी। ये है प्रॉमिस टी। अभी आजकल मुझे इसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा लगता है। एक है ये टाटा टी अग्नि, इसको मैंने यूज करके देखी थी बट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। पर अभी इस वाले पैकेट को हमने ओपन कर लिए है, तो अभी इसे को ही यूज़ करना पड़ेगा।
और बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। You gotta know.